रिसेंटली मुझे मिला है कि लड़की को शादी के बाद उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर जब वो फर्स्ट सेक्स कर लेती हैं उसके बाद उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है क्योंकि इसके बारे में खुलकर के बात की नहीं जाती है, लेकिन हम तो बात करेंगे क्योंकि हम तो इंसानी चीजों पर बात करते हैं, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं पाता है। आप देख रहे हैं बिना जो मैं हूँ रेखा, आज हम बात करेंगे किस तरीके के चेंजेस आते हैं लड़कियों की फिजिकल अपीयरेंस में, कैसे देख करके क्या आप पता लगा सकती हो कि इसकी शादी हो चुकी है, ये फर्स्ट सेक्स कर चुकी है, हाइमन, लूज वर्जिनिटी और बहुत कुछ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बी नेचुरल पे गर्ल्स टॉक की भरमार है। गर्ल्स शादी के बाद या फिर फर्स्ट सेक्स करने के बाद लड़कियों की बॉडी में कई तरीके की चेंजेस होते हैं। अभी चेंजेस कोई और देख के ऑब्जर्व कर पाए ना पाए वो अलग बात है, लेकिन आप पर्सनली खुद बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो, नहीं भी कर पाते तो हम आपको बताएंगे। लोगों का मानना होता है कि लड़कियों का फर्स्ट सेक्स हो जाए या फिर शादी हो जाए तो उसके बाद उनकी वर्जिनिटी टूट जाती है, हाइमन ब्रेक हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, सील टूट जाती है, ताला हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीजें मिथ है। लड़कियों के अंदर ऐसा कोई हाइमन नहीं होता जो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, सील है वो निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां हम किसी सील ताले के साथ पैदा नहीं होती है। हाइमन एक स्ट्रेचेबल टिश्यू होता है जो कि कभी भी स्ट्रेच हो जाता है, मतलब अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जैसे कि रनिंग है, जिमनास्टिक है, या साइकिल चलाना, डांस करना, उछल कूद करना, उसकी वजह से लड़कियों का हाइमन ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाता है, लड़कियों को पता भी नहीं चल पाता है। और कई लड़कियों के पास तो हाइमन होता ही नहीं है, मतलब विदाउट हाइमन लड़कियां बॉर्न होती है, और कई लड़कियों में हाइमन ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है क्योंकि फिर ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, उनके पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। सो हाइमन के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि हर लड़की की बॉडी अलग होती है, सबका अलग अलग होता है। तो एज सच आप नहीं बोल सकते हो कि अरे शादी हो गई तो ब्लड निकलेगा, हाइमन टूटेगा, सील टूटेगी, ऐसा नहीं होता है। और ब्लीडिंग भी आप अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दो, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है उसके ऊपर ध्यान दो, बजाय इसके कि कुछ निकला है नहीं निकला, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देकर के आपकी शादी की नैया डूबेगी ही, आगे पार हो नहीं पाएगी। तो जिस चीज को करने से कोई फायदा नहीं उसके पीछे भागना ही क्यों। क्या फर्स्ट सेक्स के बाद वजाइना में कुछ चेंजेस आते हैं, हम बात करिए वजाइनल चेंजेस की, तो हाँ थोड़े बहुत चेंजेस वजाइना में आते हैं। ड्यूरिंग सेक्स आपकी वजाइना अपने आप को एक्सपेंड करती है, वो फैलती है, हमारी वजाइना बहुत ही अमेजिंग है, नॉर्मल में एकदम नॉर्मल रहती है, पर ड्यूरिंग सेक्स पेनिट्रेशन की वजह से वो अपने आप को स्ट्रेच करती है। और देखो वजाइना बर्थ टाइम इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है ना जब बेबी को बॉर्न करती है वुमेन, कि मतलब कहाँ वजाइना में आपको फील होता है कि कुछ भी अंदर जा नहीं सकता है, पर इतना बड़ा बेबी बाहर आ जाता है, ये भगवान का करिश्मा ही तो है यार, हम लड़कियां किसी करिश्मे से कम नहीं है। उसको बार बार इन सब चीजों में तौलो मत कि वर्जिनिटी है, हाइमन है, ये सब चीजों में मत पड़ो। हाँ वजाइना चेंज होती है ड्यूरिंग सेक्स, पर जैसे पेनिट्रेशन हो जाता है आफ्टर इंटरकोर्स आपकी वजाइना वापस से अपनी शेप में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वजाइना है, पेनिट्रेशन के दौरान ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, अंदर स्पेस बन जाता है, एक्सपेंड हो जाती है रबर बैंड की तरह, और आफ्टर सेक्स ये अपने आप वापस उसी पोजीशन में आ जाती है जैसे ये पहले थी। बाकी वजाइना की इलास्टिसिटी भी लूज होती है, बट वो आपकी एजिंग की वजह से या वजाइना के थ्रू अगर बेबी बॉर्न आपका हुआ होगा तो उस वजह से इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी लूज हो जाती है, मतलब रबर बैंड भी हम बार बार यूज करते हैं तो काफी सालों बाद देखो ये लूज होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है एजिंग या फिर बच्चा हो वजाइना के थ्रू, नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहते हैं। ड्यूरिंग सेक्स आपकी जो क्लिटोरियस होता है, वजाइना होता है, यूट्रस, वो अपने आप को ना एक्सपेंड करना सीख लेता है, इससे पहले कभी भी वो एक्सपेंड नहीं करता है, पर ड्यूरिंग सेक्स वो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड होना, वो सब सीखने लग जाता है। और जब आप अराउजल पोजीशन में होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, तो उस टाइम आपका क्लिटोरियस स्वेल अप हो जाता है, सूजन आ सकती है कभी कभार, और आपका जो यूट्रस है वो थोड़ा और राइज अप हो जाता है। तो ये चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेक्स होते हैं, बट आफ्टर सेक्स अगेन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। तो शादी के बाद आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि शादी हो गई है तो ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, या फिर पम्प सबके हैवी हो जाते हैं, ऐसे कई लोगों का मानना है, बट फैक्ट ये है कि ब्रेस्ट ऑफकोर्स पम्प हो जाते हैं, हैवी भी दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है, ये सब आपके हार्मोन्स की वजह से होता है। शादी के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आप लाइफ में सेक्स करने लग जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से बेसिकली हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से आपकी जो ब्रेस्ट का साइज होता है ना थोड़ा बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका हो जाए, कुछ का होगा कुछ का नहीं भी होगा, बट ड्यूरिंग सेक्स मोस्टली सबका प्रोसेस वेलअप लगता है, बट आफ्टर सेक्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन हो जाता है। बट आफ्टर मैरिज कई लड़कियों के ब्रेस्ट थोड़े हैवी हो जाते हैं, बट अगेन सबके नहीं होते, कुछ के होंगे कुछ के नहीं भी होंगे।
कई लोगों का मानना है कि सेक्स के बाद लड़कियों की स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, आपका मानना है? कमेंट करके बताओ आपके क्या क्या मिथ है, क्या क्या चीजें मानते हो कि सेक्स के बाद ये सब चीजें हो जाती है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो गाइस, सेक्स के बाद स्किन में ग्लो आता है और ये फैक्ट है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब आप सेक्स करते हो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, अगेन हार्मोन का खेल होता है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पंप करती है और जिसकी वजह से आपकी स्किन में ग्लो आता है, जिससे आपका स्ट्रेस घटता है, लाइफ में परेशानी नहीं होती है, और परेशानियां ही तो सारी मुसीबतों का जड़ है। जब वही नहीं तो खुशहाली के चेहरे पे नजर आएगी ना ग्लोइंग स्किन के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टीनेजर्स उठ जाओ और चले जाए सेक्स करने के लिए, अरे सेक्स से तो ग्लोइंग स्किन आती है, चलो कर लो। कई बार बता चुकी हूँ उसका एक टाइम होता है, आपको वेट करना चाहिए राइट पार्टनर का। और मैं तो हमेशा बोलूंगी कि ठीक है जाओ एक अच्छे हेल्थी रिलेशनशिप में आ जाओ, शादी के बाद तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है करने के लिए, हेल्थी स्किन पाने के लिए। फिलहाल जो आपका टाइम है वो स्टडीज का है, करियर बनाने का है, लाइफ में कुछ अचीव करने का है, बस कुछ साल की तो बात है, थोड़ा सा इंतजार एंड फिर कमाल ही कमाल। कि अगर आप माइनर हो और सेक्स जैसी चीज करने के बारे में सोच रहे हो तो इसको अपनी सोच में रखो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने कर लिया तो ये इनलीगल है, आपको जेल भी हो सकती है, बहुत सारे केसेस आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो स्टे अवे, बस सुनो समझो एजुकेशन लो, दैट्स इट। कई लोगों का मानना है सेक्स करने के बाद पीरियड डिलेड हो जाते हैं, पीरियड्स आते नहीं है या बहुत लेट आते हैं, क्या सच है? बिल्कुल सच है, अगेन हार्मोन्स की खेल है, हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम सेक्स किया उसके बाद आपके पीरियड्स ना आए, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, तो उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना अगर पीरियड्स के कोई आपको एक दो दिन हो गए हैं तो। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे तो थोड़ा एक हफ्ता और वेट कर लो, और फिर भी नहीं आ रहे तो प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। लेकिन ये तो फैक्ट है कि जब आप फर्स्ट टाइम सेक्स करना स्टार्ट करते हो उसके बाद पीरियड्स की डेट इधर उधर हो जाती है, पर ज्यादा डेट इधर उधर हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इमोशनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं सेक्स करने के बाद, मतलब या तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हो या बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, कब भड़क जाओ, कब गुस्से में हो जाओ, कब अच्छे से बात करो, आपका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, आपके हार्मोन्स अगेन ट्रिगर हो जाते हैं इस टाइम, और आपको समझ नहीं आता है क्या करना होता है, कभी आप समझदार हो जाते हैं कभी ना समझ हो जाते हैं। ये थोड़े टाइम का पीरियड होता है, बट कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी ये सब एडजस्ट करने लग जाती है, एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाते हैं, तब आप स्टेबल हो जाते हो। बट हाँ, कईयों के साथ ऐसा होता है, कईयों के साथ ऐसा ना भी हो, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, जो चीजें मैं बता रही हूँ जनरली होती है, बट जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, मैंने सेक्स कर लिया अब तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं बहुत खुश होगी, ऐसा नहीं है, बट जनरली ऐसा हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या फर्स्ट टाइम में पेन होता है? ये तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, पेन होता है या नहीं होता। वैसे ये लाइफ में एक ना एक दिन आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, दुनिया में जितने लोग हैं वो एक ना एक दिन अफकोर्स सेक्स करेंगे, और सेक्स आए दिन लोग करते हैं, तभी तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। पेन होता है या नहीं होता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि सबको हो, कुछ लड़कियों को होगा कुछ लड़कियों को नहीं होगा। जो लड़कियां बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होती हैं उनको मेबी नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं फिजिकली उनको हो सकता है कि पेन हो, बट ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन आ रहा है और खून में खून नदियां बही जा रही है खून की, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और बहुत ज्यादा पेन उन केसेस में होता है जब आपको कोई बीमारी हो, एलर्जी, इन्फेक्शन हो, या फिर जो आपका पार्टनर है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, आपके पार्टनर का करने का तरीका गलत है, फोर्सफुली कर रहा है, या फिर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या बहुत जल्दबाजी में चीजें हो रही है। So have some patience, lubrication use करो डॉक्टर से पूछ करके, आराम से इत्मीनान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पार्टनर आपके पास ही रहेगी, प्यार करती है तो कोई भाग के नहीं जाने वाली है, है ना? या सेक्स पेनफुल नहीं होता है, सेक्स प्लेजर देने के लिए होता है, पेन हो रहा है so consult your gynecologist। ड्यूरिंग सेक्स ये चेंजेस तो अक्सर होंगे, मतलब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपके लिप्स भी सूज सकते हैं, ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग आ सकती है, आपकी क्लिटोरियस में भी स्वेलिंग आ सकती है, वजाना के आसपास जो लिप्स होते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है, अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट सेक्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। बट डरना नहीं, घबराना नहीं, ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं, आपका सेक्स सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं है दूर से आपको कोई देख करके पकड़ लेगा अरे ये तो सेक्स किया इसने, ऐसा कुछ नहीं होता। In fact, you can burn 100 to 300 calories in a 30-minute passionate sex. Fact है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि
क्या सेक्स करने के बाद लड़कियों का वेट बढ़ जाता है? जितनी भी न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है शादी के बाद, मैंने भी नोटिस किया उनका वेट तो बढ़ ही जाता है। बट अगेन ये भी बोल सकते हैं कि आप सेक्स की वजह से ही बढ़ा है। हाँ, सेक्स एक पार्ट हो सकता है, बट बेसिकली हार्मोन की चेंज होने की वजह से लाइफस्टाइल आपकी पूरी बदल जाती है इन सब चीजों की वजह से कि हाँ थोड़ा बहुत वेट गो डाउन हो जाए। इतना सारा प्यार पाओगे तो प्यार जाएगा कहाँ, शरीर लगेगा, शरीर फूलेगा ही। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखते हो तो वेट नहीं बढ़ेगा, आप जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। कोई गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट देख करके बता सकता है कि इनका फर्स्ट सेक्स हुआ है या नहीं हुआ है? ये बहुत वाहियात का सवाल है। पता नहीं किस तरीके के लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जब है तो मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको ऐसा बता पाए, सिर्फ लड़की ही जानती है और लड़की ही आपको बता सकती है। तो आप उससे पूछ सकते हो अगर वो कंफर्टेबल है तो। नहीं है तो ऐसे अनकंफर्टेबल किसी भी गर्ल से पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई कहे कि वो ऐसा प्रूफ कर सकता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ मत बनो, अपना दिमाग लगाओ। सेक्स करने के क्या फायदे होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पैशनेट सेक्स करो तो आप बहुत सारी कैलोरीज लूज कर सकते हो, स्किन में ग्लो आता है, आप हैप्पी फील करते हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का पंप थोड़ा बढ़ जाता है और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है आपकी। आप स्ट्रेस को रिलीव करते हो, यू कैन इंप्रूव योर स्लीप ऑल्सो, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हेल्दी लाइफ आपकी हो जाती है। आप पहले से भी ज्यादा खुश रहते हो और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर रही होती है, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो, मतलब जीने में और ज्यादा मजा आने लगता है। तो ये तो हुई सेक्स के बेनिफिट्स और सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्वेरीज मैंने आप लोगों की सॉल्व कर दी। सो ऑल इन ऑल अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ, देखो सेक्स एक ऐसी चीज है जो हर इंसान करेगा ही करेगा, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी जब भी आपका फर्स्ट सेक्स हो प्लीज आप उस इंसान को परख लो, आपके सही है गलत है, आपको कहीं ब्लैकमेल करे, परेशान करे तो क्या फायदा है ना। या फिर आप उसको छोड़ दो तो आप जिंदगी भर पछताते रहो, अफसोस करो, याद रहे, दिल में एक बैसा रह जाए तो फिर क्या फायदा है ना। तो वेट कर लो, राइट टाइम होगा, राइट पर्सन मिलेगा, सही चीज सही समय पे करने की बेस्ट रहती है। टीनएजर्स को तो मैं हाईली एडवाइस करती हूँ, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडीज का है। एजुकेशन लो, सेक्स एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप जिंदगी में गलतियां ना करो। जब भी सेक्स करो, फर्स्ट सेक्स हो लास्ट सेक्स हो, कॉन्डम जरूर यूज करो। हर बार कंसेंट होना चाहिए, अपने पार्टनर से हर बार पूछोगे शी इज रेडी और नॉट, और गर्ल्स को भी पूछना है अपने पार्टनर से ही इज रेडी और नॉट। ठीक है, सो कंसेंट एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एंड देयर हैज टू बी अ कंफर्ट लेवल आल्सो, मतलब फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसेंट मिलने के बाद भी कुछ भी ऐसा पोजिशन, कोई ऐसी टेक्निक, कुछ भी टूल, कुछ भी ऐसा ट्राई ना करो जिससे आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो। ठीक है, डायरी में रखे करो, वरना वो रेप ही कहलाएगा और कुछ नहीं। सो गर्ल्स टॉक से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बी नेचुरल पे जाके आप देख सकते हो। बी नेचुरल की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो रेखा शर्मा शॉर्ट चैनल मैंने खोला है, उसका लिंक पे कमेंट पे दे रखा है, आप देख सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मेरा ब्लॉग चैनल देख लीजिएगा, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। बाय गाइस।